नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्टिटी टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में का जो फर्स्ट चैप्टर है पदार्थों का निरूपण और रेखाएं, तो ये वाला चैप्टर है। इसमें से 5 या 7 नंबर का जो एक एक दो दो नंबर के आते हैं, तो इस वाले चैप्टर में से 7 नंबर का आता है, लेकिन डिवाइडेड पार्टों में आता है। 1 नंबर का आ गया, फिर 2 नंबर का आ गया, ऐसे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पदार्थों के लिए निरूपण, ठीक है, तो ये आता है कि ग्लास का कॉन्वर्सेशन और मटेरियल, तो उसका मतलब ये है प्रतीक चिन्ह दर्शाइए। तो ऐसे ग्लास का जो हमारा प्रतीक चिन्ह है वो यूँ करके ऐसे करके ऐत खींचा, उसमें 1 2 3 4 ऐसे का मतलब खींचा, ये ग्लास के लिए मटेरियल है। किसके लिए? ओनली ग्लास के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है लिक्विड। लिक्विड कैसे दर्शाते हैं, किस उसमें, तो उसको ऐसे दर्शाते हैं इस वाले पार्ट्स में, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें हम वाटर भी, वो डायरेक्ट भी दे देता है कि पाँच जल को या ऑयल को, पेट्रोल को, केरोसिन कुछ भी दे सकता है, लेकिन लिक्विड होना चाहिए। तो ऑयल को भी दे सकता है, केरोसिन को भी दे सकता है, ETC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो बुड, बुड माने लकड़ी। तो लकड़ी को जो कैसे दर्शाते हैं, उसको इस हिसाब से दर्शाते हैं। ठीक है, बुड या प्लाईवुड, ETC। ठीक है, तो प्लाईवुड, बुड, लकड़ी, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट को कैसे दर्शाते हैं, उसको ऐसे करते हैं कॉन्क्रीट, उसको इस हिसाब से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है अर्थ। तो अर्थ को कैसे दर्शाते हैं, इस हिसाब से दर्शा के अर्थ लिख देते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट भी देता है, इसको ऐसे दर्शाइए। ठीक है, फिर आता है फेरस मेटल। फेरस मेटल को हम कैसे दर्शाते हैं, तो फेरस मेटल को हम सबसे दो तरीका से दर्शाते हैं, एक तो ब्रास, ब्रोजोन एंड मेटल। मेटल ये तीन चीज, ये तीन है, उसको इस हिसाब से दर्शाते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है, हमको दे दिया ऐसे स्टील, दे दिया कि स्टील को दर्शाइए, या कास्ट आयरन, या आयरन, या कॉपर, या एल्युमिनियम एलो, एल्युमिनियम एलो, ये 400-500 दे दिए हमें ETC, तो हमें इस हिसाब से दर्शाने पड़ेंगे ये वाला जो है। ठीक है, ये तो ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज और मेटल के लिए है, और ये जो है एल्युमिनियम वगैरह के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल को कैसे दर्शाते हैं, जैसे लीड, जिंक, टिन, वाइट मेटल, ETC, उसको इस हिसाब से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पैकिंग एंड इंड्यूस्ड मटेरियल, तो उसको कैसे दर्शाते हैं, उसको ऐसे पॉलीलेन और स्टोर, वायर, मोबाइल एंड स्टेट, उसको इस स्टाइल से दर्शाते हैं इस वाले प्रतीक से। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह है इनके। और नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है ये अजुन फाइबर, फेल्ट एंड उसमें डिजाइन प्रोडक्ट एंड पाइप वर्क, एल्युमिन, रबर, लेदर, वैक्स, एसोनेट एंड फिटिंग मटेरियल, तो उसको जो हम इस हिसाब से दर्शाते हैं, इस हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको 7 नंबर या 5 नंबर में आएगा, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर करके, कि इसका प्रतीक चिन्ह दर्शाइए और प्रतीक चिन्ह बनाइए पेपर में। तो आपको इस स्टाइल से लिखना पड़ेगा, ऐसे ग्रास का आ गया तो आपको ये बनाना पड़ेगा और नीचे लिख देंगे उसको ग्रास। ठीक है, तो ये आता है पेपर में, तो प्लीज़ इसको तैयार कर लीजिए पेपर से पहले। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। यदि आप चैनल पर पहली बार आते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।